अनामिकास फूड जर्नी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे अलसी और बादाम की बर्फ़ी। इसे सेट करने के लिए मैं बेकिंग ट्रे को बेकिंग पेपर से लाइन कर रही हूँ और थोड़ा सा घी लगाकर ग्रीस कर रही हूँ। आप थाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्टली थोड़ा सा घी लगाकर। बर्फ़ी के लिए मैंने लिया आधा कटोरी फ्लैक्सीड का पाउडर, डेढ़ कटोरी बादाम का आटा या बादाम का पाउडर, और इसे लगातार चलाते हुए हम लोग मध्यम आंच पर भूनेंगे। इसे हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि यह एक समान भुना जाए। इसे 5 से 6 मिनट खुशबूदार होने तक हम लोग भूनेंगे। जब यह खुशबूदार हो जाए इसे हम साइड में रखकर चाशनी बनाएंगे। यह हमारा भुन चुका है। चाशनी के लिए हम लेंगे 1 कटोरी से थोड़ा कम चीनी, 1/3 कटोरी पानी, चुटकी भर केसर, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, 1/2 चम्मच इलायची का पाउडर, और इसे मिलाकर हम लोग मध्यम से तेज़ आंच पर चाशनी होने के लिए रखेंगे। इसे हम बीच बीच में मिला लेंगे ताकि शक्कर अच्छे से घुल जाए। धीरे धीरे शक्कर घुलकर यह इस तरह झागदार हो जाएगा। हम इसे उंगलियों से इस तरह जांच लेंगे। ये देखिए, एक तार बननी चाहिए। हमारी एक तार की चाशनी तैयार है। अब इसमें हम 1 चम्मच घी डाल के गैस बंद कर लेंगे। इसे हम मिला लेंगे और इसमें भुना हुआ फ्लैक्सीड और बादाम का पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब भी हम लोग चाशनी जांचते हैं उसे थोड़ा सा ठंडा कर जांचिएगा, नहीं तो आपको चटका लग सकता है। ये देखिए, ये हमारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसे हम लोग ग्रीस किए हुए थाली में या हमारे इस ट्रे में डाल लेंगे और इसे अच्छे से एक समान स्प्रेड कर लेंगे। आपको उसकी जिस तरह से थिकनेस चाहिए उस हिसाब से आप स्प्रेड कर सकते हैं। अगर आपको पतला चाहिए तो आप बेलन से भी बेल सकते हैं। ठंडा होने पर यह सेट होने लगेगा, इसलिए इसे गरम ही स्प्रेड कीजिए। हम छुरी को थोड़ा सा घी लगा लेंगे और इससे इस बर्फी के मनचाहे शेप और साइज के टुकड़े कर लेंगे। टुकड़े करने के बाद इसे थोड़ा सा ठंडा होने दें। जैसे ही यह ठंडा होकर सेट हो जाए हमारी बर्फी परोसने के लिए तैयार है। यह बर्फी आराम से बाहर 1 महीने तक रह जाती है। धन्यवाद।